नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त गौरव कोरिया और आप देख रहे हैं गौरव कोरिया यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक का बटन करें और अपने दोस्तों को शेयर करें इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं साउथ कोरिया वीज़ा के बारे में। देखिए, हम लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन पाते रहते हैं, पर मेरा भाई मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है साउथ कोरिया के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ भाई मैं किस तरह से जीजू आया, किस तरह से साउथ कोरिया आया। तो आप लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं और ईजिली साउथ कोरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। इवन साउथ कोरिया नहीं, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। भैया आज हम लोग बात करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल साउथ कोरिया में। ये सुन के आप लोग हैरान हो गए होंगे कि वीज़ा ऑन अराइवल साउथ कोरिया में, भाई वो कैसे? साउथ कोरिया वीज़ा ऑन अराइवल आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इंडियंस के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा टाई अप है साउथ कोरिया के साथ में वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। हम वीज़ा ऑन अराइवल कहाँ जा सकते हैं साउथ कोरिया के अंदर? भैया साउथ कोरिया के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल हम जा सकते हैं जीजू आइलैंड के अंदर। जीजू एक ऐसा आइलैंड है साउथ कोरिया का जहाँ पर ट्रैवल के लिए आ सकते हैं। वो घूमने की जगह है, जैसे हमारे गोवा है, अंडमान निकोबार है, ऐसे ही साउथ कोरिया का एक आइलैंड है जीजू आइलैंड। बहुत ही सुंदर आइलैंड बना हुआ है जो साउथ कोरिया ने इंडिया के साथ टाई अप करके ऑन अराइवल किया। और बाकी कंट्रियों का अलाउड नहीं है फिलहाल, इंडियंस को अलाउड है, कुछ एक कंट्रियों को अलाउड है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को अभी अलाउड नहीं है। पहले था कुछ साल पहले, पर अब नहीं है, सिर्फ इंडियंस को अलाउड है फिलहाल। देखिए हम लोग वहाँ जा कैसे सकते हैं, जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। एक पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। वैलिडेशन का मतलब है कि आपका पासपोर्ट, मान लो आज मैं फ़्लाइट पकड़ता हूँ तो जिस दिन आप कोरिया पहुँचो उस दौरान के बीच में 6 महीने का वैलिडेशन होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कोरिया में 3 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन है। और तीसरी बात, आपका कोरिया में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो पुराना। मान लो आप साउथ कोरिया पहले कभी रह के गए हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मान लो आप डिपोर्ट होके गए हो साउथ कोरिया से, या आपने किसी के साथ फाइट की हो, या आपने कभी फेक डॉक्यूमेंट लगाए हो कोरियन एम्बेसी के अंदर, भैया बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों? आप लोग पहले ही गलत काम कर चुके हो। तो मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई भी मुझे जानता, मैं जानता हूँ कोई भी ऐसा गलत काम करने वाला कोई भी हमारा भाई ऐसा नहीं है, जो डायरेक्ट जा सकता है वो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फिर भी आपका रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए साउथ कोरिया के अंदर, तभी आपको एंट्री मिलेगी। चलो उससे अगली बात बात करते हैं। साउथ कोरिया आने के लिए, जीजू आइलैंड आने के लिए आपको कैसी फ्लाइट लेनी है? फ्लाइट आपको वो लेनी है जिसका स्टे सियोल एयरपोर्ट, किम्पो एयरपोर्ट और बुसान एयरपोर्ट में ना हो। मान लो कि साउथ मेनलैंड के किसी भी एयरपोर्ट पे उसका स्टे ना हो। आपको फ्लाइट कैसे लेनी है कि देखो स्कूट एयरलाइन चलती है, मैं आपको प्रेफर दे रहा हूँ वो ईजिली, मैं आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन वो, आपकी मर्जी आप कोई भी फ्लाइट लेके आ सकते हो। उसका स्टे कैसे होगा? इंडिया, इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से जीजू, फिर जीजू से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया, इंडिया से वो फ्लाइट आप ले सकते हो। वो आपकी अमृतसर से उड़ती है, जयपुर से उड़ती है, लखनऊ से उड़ती है, मुंबई से उड़ती है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई, आई थिंक इन एयरपोर्टों से वो फ्लाइट उड़ती है जो आपको जीजू लेके आएगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। उसके बाद आपके पास एक होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आपको एंट्री मिलेगी। बिना होटल बुकिंग के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए, चाहे आप 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, 4 दिन रुको। मान लो आपको 3 दिन एक जगह पर रुकना, 3 दिन एक जगह पर रुकना, तो आपके पास कंप्लीट आइटनरी होनी चाहिए। इमिग्रेशन को बताना पड़ेगा भी 3 दिन इस होटल में रुकूंगा, 3 दिन उस होटल में रुकूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए, भाई मैं जीजू में यहाँ यहाँ घूमूंगा। जैसे आपको जीजू में कहाँ जाना है? मुझे हलासान, कोरिया का सबसे बेस्ट ट्रैवल प्लेस जीजू में माना जाता है, उसको बोलते हैं हलासान। हलासान एक माउंटेन है, पहाड़ी है, बहुत सुंदर पहाड़ी है भाई, वहाँ लोग हाइकिंग करने जाते हैं। आप अपने ट्रैवल प्लान में ऐड कर सकते हैं हलासान। उसके बाद मारादो एक आइलैंड है छोटा सा, उसके बाद जीजू म्यूजियम पार्क, नांताशो और भी है, संगोपो बीच, उसके वोल्किनो पार्क, ठीक है, वोल्किनो माउंटेन, ये आप कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं जीजू ट्रिप के अंदर, तो वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए। फंड का मतलब क्या कि आपकी पॉकेट में $1,500 होने चाहिए कि फंड आप इतना कैश में खर्च कर रहे हो, वो इमिग्रेशन आपसे पूछती है। उसके बाद जैसे ही आप जीजू आइलैंड पहुंचते हो तो क्या होता है भाई, जीजू आइलैंड पहुंचने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, भाई मेरे पास
कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। दूसरी बात, कस्टम मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, उसके बाद एक फॉर्म, भाई मेरे कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद एक फॉर्म भरा जाता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, वो फॉर्म आपको भर के देने होते हैं। फिर आपके फॉर्मेलिटी एक इंटरव्यू होती है, वो आपसे पूछते हैं भी यहाँ क्या करने हो, कितने दिन के लिए आए हो, ठीक है भाई, फिर आप इंडिया में क्या करते हो। भाई आपके पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए, मैं इंडिया में ये करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फार्मिंग वाला हूँ। भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इनको इंग्लिश कम आती है तो ये इंग्लिश भी उतनी समझते जितनी हम बोल पाएंगे, पर ये ट्रांसलेटर अवेलेबल कराते हैं। मान लो आप हिंदी बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले, तो ट्रांसलेटर कई बार अवेलेबल करा देते हैं। तो भैया ये चीज़ हमारी, हमें प्रिपेयर करके चलनी पड़ती है जीजू आइलैंड के लिए। भाई एक और तरीका है वीज़ा ऑन अराइवल का, मेन लैंड पर एंट्री करने का, वो कैसे भाई? वो सुन के बिल्कुल हैरान हो। मान लो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, जापान का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, शेंगेन का वीज़ा है, अमेरिका का वीज़ा है, मान लो साइप्रस का वीज़ा, तो भैया आपको साउथ कोरिया ऑन अराइवल की फैसिलिटीज देता है, ऑन अराइवल विदाउट वीज़ा। ये सुन के आप हैरान रह जाओगे, कोई आपको ये बात बता ही नहीं पाएगा। इन बातों को ध्यान रखना भैया। मान लो आपके पास यूएसए का वीज़ा, तो आप फ्लाइट ले सकते हो भाई इंडिया, इंडिया से साउथ कोरिया मेनलैंड, अपना 5-7 दिन जो घूमना वो घूम के उसके बाद यूएसए, ये यूएसए से, यूएसए से आप सियोल, सियोल से इंडिया, ऐसे आप फ्लाइट करके आप ट्रैवल कर सकते हो भाई। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सबसे अच्छा देश है, लीगल आओ लीगल जाओ, घूमने के लिए बहुत जगह। मान लो भी आप बोलते हो भी यार मेरे को तो कोरिया अच्छा लगा, मैं क्या करूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप आके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको कोई जगह अच्छी लगी, कंपनी अच्छी लगी, तो आप इंटरव्यू भी दे सकते हो, पर जॉब करने के लिए वैलिड नहीं हो। इंटरव्यू देने के बाद आपको कंपनी जब सेलेक्ट कर लेती है, मान लो वो कॉलेज आपको एडमिशन देता है, तो आपको वो वापस अपनी कंट्री में आके वो वीज़ा लेके आप जा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका भाई जीजू आइलैंड में आपको प्रेफरेंस दूंगा आने के लिए। चलो भी इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, नई वीडियो में अगली बार मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीज़ा इन्फॉर्मेशन का। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।